कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि तंगधार सेक्टर के सतपुरा इलाके में एनकाउंटर चल रहा है और एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। फिर आराम से ये वीडियो देखिए, फिर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सतपुरा इलाके में किस तरह से अभी भी जो मुठभेड़ है वो जारी है। और चलिए रुक करते हैं टंगडा सेक्टर से, हमारे सीनियर साथी इश्फाक ज्वाइन कर चुके हैं। इश्फाक बताइएगा इस एनकाउंटर के हवाले से अभी तक क्या कुछ तफसीलात है। प्रियंका मैम, जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है, ये करना का एक एरिया है जो कि मेन टंगडा से 5 किलोमीटर दूरी पर वाकई है। यहाँ इस एरिया का नाम है सतपुरा। तो ये सतपुरा एरिया है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास पास में पड़ता है। और आपको बताते चले कि आज सुबह से ही हमें कुछ जराए के मुताबिक ये पता चला कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुई थी आज रात को। तो जिसकी वजह से सोर्सेज का कहना है कि तकरीबन 3-4 मिलिटेंट्स के घुसने का जो है ये खबर मौसूल हुई है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही मिलिटेंट जो है वो मारा गया है और बाकी जो है तलाश जारी है। ये जो आज सुबह सुबह जो सतपुरा के अंदर जो ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है, ये आज पहली बार नहीं हुई है, बल्कि हम देख रहे हैं पिछले बहुत टाइम से यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती जा रही है, लेकिन आज तक कोई मिलिटेंट नहीं पकड़ा गया था। तो आज जो है मिलिटेंट को हला कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सा आर्म्स एंड एम्बुलेशन जो है उसको भी रिकवर किया गया है। तो अभी हमारी बात तो पुलिस के कुछ ऑफिशियल से हुई थी, उनका ये कहना है कि अभी भी जो है तलाश जारी है, अभी भी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि अभी 1-2 मीटर और जो है यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक को ये क्लियर नहीं हुआ है कि अभी तक वो पकड़े गए या नहीं जी, पकड़े गए, लेकिन जो है एक ही अभी मौत हुई है। यानी गोलियों का तबादला रुक चुका है, थम चुका है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बाकी मिलिटेंट्स की तलाश में। जी 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 मैम, जी मैम, सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन अभी सिर्फ वन अनआइडेंटिफाइड जो है मिलिटेंट हला कर दिया गया है, अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हुई है। बिल्कुल, सतपुरा इलाका ये एग्जैक्टली कहाँ पे है? ये तकरीबन मेन टंगडार से 5 किलोमीटर दूरी पर वाकई है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पर पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। तो इशफाक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, एनकाउंटर के हवाले से जानकारी पहुंचा रहे थे जाते जाते। तो तस्वीरें सीधा ग्राउंड जीरो से, जहां पर गोलियों का तबादला हुआ और एक मिलिटेंट मारा गया है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को नाकाम बनाते हुए, और बताया जा रहा है 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी अभी भी वहां पर हो सकती है। जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए।